इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानीपत से बड़ी खबर, पुलिस थाने में 100 मीटर की दूरी पर लूट हुई है। बदमाशों ने उद्योगपति से कार और आईफोन लूटा। उद्योगपति के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की है। हथियार के दम पर बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पानीपत के सेक्टर 29 में उद्योगपति से लूट का ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। हालांकि पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और अब कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया और अब सख्ती से कार्रवाई करने की भी आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो पानीपत के सेक्टर 29 में उद्योगपति से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, हाथापाई भी की गई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आखिर किस तरीके से पूरा मामला प्रकाश में आया और अब कार्रवाई करने की बात जो है वो सामने आ रही है यहां पर। ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पानीपत से पुलिस थाने में 100 मीटर की दूरी पर एक उद्योगपति के घर पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उद्योगपति के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की है। ये अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। जांच लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये आश्वासन दिया गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जो मुख्य आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मामला जो है प्रकाश में आया है और जांच लगातार जारी है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बदमाशों ने उद्योगपति से कार और आईफोन लूटा है। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? आखिर क्या जो बदमाश जो चोर है उनके बारे में कोई भी सबूत मिल पाया? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है, देर रात का है, जहां पर एक व्यापारी से बंदूक की नोक पर एक क्रेटा गाड़ी व आईफोन छीन कर जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए। लेकिन जो पुलिस है उनका यह कहना है कि जो आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं वो चेक किए जा रहे हैं, और क्योंकि जैसे पीड़ित ने बताया कि जो आरोपी है उन्होंने मुंह पे नकाब बांधे हुए थे, तो इसीलिए पुलिस को उनको ढूंढने में काफी दिक्कतें हो रही है। फिलहाल जो आरोपी है तो उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया है और अब सख्ती से कार्रवाई करने की बात जो है यहाँ पर सामने आ रही है। पूरी कोशिश है कि सही तरीके से कार्रवाई हो और जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होने के बाद उन्हें जल्द से जल्द जेल में पहुंचाया जाए। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला जो है प्रकाश में आया है और सही तरीके से कार्रवाई करने का भी आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है।